सीकर जिले के नीमका थाना कस्बे में जनसुनवाई में बिजली पानी सड़क सहित अन्य मुद्दे छाए रहे। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना पालनहार योजना में तमन्ना देवी पत्नी प्रवीण कुमार निवासी छापर ग्राम पंचायत वासरी खुर्द को गत 3 वर्षों से सहायता राशि प्राप्त नहीं हो रही थी, क्योंकि तमन्ना देवी के आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट मिसमैच होने के कारण वार्षिक सत्यापन नहीं हो पा रहा था। इस प्रकरण में निस्तारण हेतु काफी प्रयास किए जा रहे थे। इनके द्वारा नए आधार कार्ड के लिए आवेदन करवाया व नया आधार बनकर तैयार हो गया, परंतु पालनहार पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ। तत्पश्चात सामाजिक सुरक्षा अधिकारी द्वारा निदेशालय को अवगत करवाया गया और नई आधार संख्या को पोर्टल पर अपडेट करने के लिए निवेदन किया, तो तमन्ना देवी की आधार संख्या को पोर्टल पर अपडेट होते ही गत 3 वर्षों का वार्षिक सत्यापन करवाया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल महिला की अध्यक्षता में आयोजित उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में गत 3 वर्षों की 72,000 की सहायता राशि की स्वीकृति जारी की। इसके लिए लाभार्थी ने राज्य सरकार तथा अधिकारियों को धन्यवाद दिया। वहीं आशा देवी, जो कि एक विधवा महिला है, अपनी 2 पुत्रियों का विवाह संपन्न किया, परंतु राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं होने के कारण आवेदन नहीं किया, लेकिन सामाजिक सुरक्षा अधिकारी द्वारा इससे संपर्क कर योजना के बारे में जानकारी दी गई व आवश्यक दस्तावेज तैयार करवाकर ऑनलाइन आवेदन करवाया गया। तत्पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई में आशा देवी को 72,000 रूपए की सहायता राशि का स्वीकृति आदेश जारी किया गया। इसके लिए आशा देवी ने राज्य सरकार तथा अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उपखंड अधिकारी ब्रजेश गुप्ता ने बताया कि जनसुनवाई में करीब 29 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें 5 परिवादों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। नीमका थाना पंचायत समिति में उपखंड स्तरीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल महला की अध्यक्षता में संपन्न हुई जनसुनवाई में उपखंड अधिकारी ब्रजेश गुप्ता, तहसीलदार सतवीर यादव, पाटन तहसीलदार मुनेश कुमार पाटन बीडीओ, रेखा रानी व्यास पालिका ईओ सूर्यकांत शर्मा सहित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। 20 परिवाद प्राप्त हुए हैं जो विभिन्न विभागों से संबंधित थे। इनमें से 5 परिवादों का मौके पर ही निस्तारण किया गया और लाभार्थी को लाभ का वितरण करके यहाँ से भेजा गया है। शेष 21 परिवाद कुछ समय लगने वाले परिवार हैं, तो उनको राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अपलोड किया गया है और निर्धारित तय समय सीमा के अंतर्गत उनका निस्तारण किया जाएगा। धन्यवाद।